इसरो ने एक खास स्पेस शटल बनाया है जिसके बारे में जानने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट हैरान हैं। इस तकनीक का फायदा अमेरिका और रूस भी उठाना चाह रहे हैं, लेकिन भारत ने इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए इसकी टेस्टिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि अगर ये टेस्टिंग सफल हुई तो दुनिया भर में एक बार फिर भारत साइंस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना लेगा। दरअसल RLV यानी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का एक्सपेरिमेंट होना है। इसकी प्रोसेस कुछ ऐसी होगी कि एक हेलीकॉप्टर से इस RLV को जमीन से 3 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद वहां से ये व्हीकल खुद नीचे आएगा और रनवे पर ऑटोमेटिक तरीके से लैंड करेगा। यहां सभी साइंटिस्ट की सांसें थमी रहेंगी क्योंकि इसकी सफल लैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। यदि इसमें RLV सफल हुआ तो भारत अंतरिक्ष में ना सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा बल्कि भारत की सुरक्षा भी हो पाएगी। भारत के साथ अमेरिका और रूस भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इसके जरिए कभी भी दुश्मन के सैटेलाइट को उड़ाया जा सकता है। इस व्हीकल के जरिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW चलाए जा सकते हैं, यानी ऊर्जा की किरण भेजकर दुश्मन के संचार तकनीक को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा बिजली की ग्रिड उड़ाने या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट कर देना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी एक ऐसे स्पेस शटल बनाने वालों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान का नाम ही शुमार है। रूस ने 1979 में ऐसा ही एक स्पेस शटल बनाया था जिसने सिर्फ एक बार ही उड़ान भरी थी। बता दें कि 6 साल पहले 2016 में एक बार RLV की टेस्टिंग हो चुकी है। उस समय करीब 65 किलोमीटर तक जाने के बाद ये 180 डिग्री पर घूमकर वापस आ गया था और बाद में इसे बंगाल की खाड़ी में उतार दिया गया। वहीं पिछले महीने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा था कि हम चुपचाप रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह बेहद सस्ता प्रयोग है। सोमनाथ ने आगे ये भी कहा था कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2030 तक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। इससे बार बार रॉकेट बनाने का खर्चा कम होगा और ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस भी आ सकता है, यानी इससे स्पेस मिशन की लागत 10 गुना तक कम हो जाएगी। जुड़े रहें बंसल न्यूज़ के साथ।